तो आज हम दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, मार्वल यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका इंडियन सुपर हीरो क्रिस, यानी कि इन दोनों के बैटल का विनर कौन होगा। तो सब तो कैप्टन अमेरिका के ओरिजिन की बात करें तो कैप्टन अमेरिका पहले काफी पतला दुबला और फिर बाद में कैप्टन अमेरिका के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया जाता है, जिस सीरम से कैप्टन अमेरिका को सुपर ह्यूमन फॉर्म के वीक लेवल तक पहुंचा दिया जाता है। और तभी ये स्टीव रॉबर्ट्स से कैप्टन अमेरिका बन जाता है और ये फिजिकली काफी पावरफुल भी है। इसकी पूरी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी स्ट्रांग और कैप्टन अमेरिका की रनिंग स्पीड भी काफी तेज और ये काफी ऊंचाई तक जंप भी कर सकता है। कैप्टन अमेरिका की फिजिकल पावर की बात करें तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना, एडवांस रिफ्लेक्स, सुपर ह्यूमन हेलिंग एबिलिटी, ये अपने स्थान के दबा एक हेलीकॉप्टर को बढ़िया साइंस से रोक दिया और कैप्टन अमेरिका बिना रुके हुए काफी टाइम तक रन कर सकता है। और अगर इसकी बॉडी डैमेज हो जाए तो इसको बड़ी आसानी से हील कर सकता है। और इसके अलावा कैप्टन अमेरिका के पास और भी एबिलिटीज, और बात करें क्रिस के पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, टेलीकिनेसिस जैसे और कई पावर्स, और ये क्रिस उड़ भी सकता है। इसके बाद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हमें यहाँ देखने को मिला था जब इसने इस बिल्डिंग को बड़ी आसानी से अपने हाथों में उठा लिया था। लेकिन तुम ये जानते ही हो कि इस बिल्डिंग का वेट लगभग कितना, अपने फर्स्ट मूवी में उसे अपने पावर्स का कोई भी अंदाजा ज्यादा नहीं था, वहाँ में सिर्फ जंप करते हुए दिखाया गया था। लेकिन क्रिस 3 मूवी में उसकी पावर्स को इंक्रीज किया गया, यहाँ पर इस बैटल का विनर क्रिस ही होगा।